कहते हैं अधर्मी व्यक्ति का धन जो होता है बिल्कुल पाप रूप होता है, पूरा पाप रूप। धर्मी व्यक्ति का धन जो होता है पूरा धर्म का रूप होता है, धर्म। अहिल्या भाई इत्यादि थी, देखो रानी थी, राज चलाती थी, सारा राज्य का धन महादेव जी के समर्पित, बड़े बड़े मंदिर बनाए कितने, ओंकारेश्वर है, माँ कालेश्वर है, त्र्यंबकेश्वर है, काशी विश्वनाथ है। धर्मी व्यक्ति का धर्म धन धर्म होता है, पहचानने वाला चाहिए। अधर्मी का धर्म धन हमेशा बिल्कुल पाप होता है, विद्वान पुरुष जानते हैं इसके पास धन नहीं है, ये तो निर्धन है, पाप इकट्ठे हैं इसके पास। क्यों? कि उसने धन से पाप ही कमाने हैं। अब उसको गेंडे का मांस नहीं है, भैंसे का नहीं है, इधर हाथी का नहीं है, सांप का नहीं है, इसलिए वहां फार्म में जाकर शादी सोच रहे। और भर्तृहरि जी कहते हैं ये कामना तो यही रह गई, मनुष्य मर करके चला गया, तृष्णा यही रह गई, मनुष्य मर करके चला गया। तो जरा विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। किधर भटक रहे हो, किधर चल रहे हो, सोचो जरा। कामना करनी भी है तो भाई करो, ज्ञान की कामना करो, ध्यान की कामना करो, धर्म की कामना करो। जो तुम्हारा यश बढ़ाए, तेज बढ़ाए, कीर्ति बढ़ाए, स्वर्ग वैकुंठ पहुंचाए, ये क्या कामना करने की जिस कामना से जा करके घोड़ा बन करके कुत्ता बन करके पैरा देना पड़े। मनुष्य को विचारवान कहा है, विचार करना चाहिए मनुष्य को। विचारो अयम पुरुषा, जिसके अंदर विचार नहीं है वो पुरुष ही नहीं है। ये मनुष्य का शरीर होता हुआ भी मनुष्य नहीं बन पाता है, क्योंकि जानवर जैसी एक्टिविटी जो उसके जीवन में, वो जान मनुष्य कहां से हुआ। मनुष्य स्वयं अपना कल्याण भी करता है, दूसरों का कल्याण भी सोचता है, वो मनुष्य है। ऐसा मार्ग ढूंढो, ऐसी प्रणाली बनाओ, ऐसा उपदेश पाओ, ऐसा मार्ग चलाओ। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।